हनी बीज, वो जीव जो हम मानव के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से एक तिहाई हिस्सा तो मधुमक्खियों की वजह से ही बन पाता है। ये मधुमक्खी हम इंसानों के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर ये सारे मधुमक्खी मर गए तब पेड़ पौधों की संख्या बहुत तेज़ी से गिरेगी और फिर कुछ सालों के अंदर पूरे दुनिया में भूखमरी आ जाएगी। और इसके अलावा हनी बीज का हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, करीब 265 बिलियन डॉलर का। और अगर मधुमक्खी सारी गायब हो गई तब सारे फल और सब्जियों में बहुत ज़्यादा भारी गिरावट आएगी। किसान कोई भी फल या सब्जियों को उगा नहीं पाएंगे क्योंकि वो मधुमक्खियाँ ही होती है जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो पाती है फल और सब्जियों की। पॉलिनेशन प्लांट के सीड बनाने में ज़रूरी होता है, अगर पॉलिनेशन अक्कर नहीं होगा तो प्लांट सीड नहीं बना पाएगा। और आइंस्टाइन ने यह भी कहा है कि अगर सारी मधुमक्खियाँ हमारी धरती से गायब हो गई तब इंसान ठीक 4 साल बाद सारे इंसान भी मर जाएंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मधुमक्खियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, लाखों की संख्या में मधुमक्खियाँ मर रही हैं। और आप लोगों ने भी देखा ही होगा मधुमक्खियाँ गर्मियों के टाइम कितनी सारी सड़क पे मरी पड़ी रहती हैं। कुछ रिसर्च का ये मानना है कि गर्मियों में तो मधुमक्खियाँ मरती हैं पर ऐसा नहीं है, जब तक टेम्परेचर 41 डिग्री से ज़्यादा ना हो तब तक हनी बी नहीं मर सकती। लेकिन अगर 41 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर गया तब मधुमक्खियों के लिए ज़िंदा रहना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और जो भी बी कीपर्स हैं जो कि मधुमक्खियों को पालते हैं उनके अनुसार से 2018 से लेकर 2019 के बीच मधुमक्खियों की पॉपुलेशन 40% से नीचे गिरी है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2006 में एक फेनोमेना आया था, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जिसने हनी बीज को बहुत सारी कंट्रीज़ में असर डाला। हम लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि ये क्यों हो रहा है लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। पिछले 10 सालों के अंदर कुछ ऐसे जीव हैं और कुछ ऐसे जहर जिनकी वजह से हनी बीज की पॉपुलेशन में बहुत ही तेज़ी से गिरावट आई है। पैरासाइट जैसे एक का नाम है एक्रापस वुडी, ये एक माइक्रोस्कोपिक कीड़ा है जो कि मधुमक्खियों की ट्रैकिया में जाके फंस जाता है। ट्रैकिया वो होता है जहाँ से मधुमक्खियाँ सांस लेती हैं और फिर उसे जाके ब्लॉक कर देता है। ये माइक्रोस्कोपिक कीड़ा मधुमक्खियों के अंदर अपने अंडे देता है जिससे मधुमक्खियाँ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरा कीड़ा वरोआ, ये मधुमक्खी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मधुमक्खियों को अंदर से पूरी तरह से खा जाता है। जब भी कोई मधुमक्खी अपने अंडे देती है ये पैरासाइट उनके अंदर रहते हैं और उन्हें अंदर से खोखला करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो भी छोटे बीज होते हैं वो पैदा होने से पहले ही मर रहे हैं। ये पैरासाइट एक मधुमक्खी से दूसरे मधुमक्खी में बहुत तेज़ी से फैलता है जिससे रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी पूरी कॉलोनी ही ख़त्म हो रही है। इसके अलावा भी कुछ वायरसेस और फंगी है जो हनी बीज को इन्फेक्ट कर दे रहे हैं जिससे उनके अंदर बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कि उनके अंदर पंख ना होना। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड हैं जो कि मधुमक्खियों को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, नियोनिकोटिनॉइड, जो कि बिल्कुल सिमिलर है निकोटीन के। इसको अप्रूव किया गया था 1990 में, जो कि DDT के बदले में आया था जिससे इंसानों के अंदर कैंसर होता है। ये खतरनाक जहर दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा कि 2008 में इसकी सेल 1.5 बिलियन यूरो गई थी, जो कि इंसेक्टिसाइड का 24% मार्केट है। और 2013 में नियोनिकोटिनॉइड का इस्तेमाल अमेरिका में 95% सब्जियां, फल और फसलों में इस्तेमाल किया गया था। जब मधुमक्खियां ये खतरनाक जहर के संपर्क में आ रही थी तब ये मधुमक्खी इन्फेक्ट होने के साथ साथ पूरे कॉलोनी में जितनी मधुमक्खियां रहती हैं वो सब मधुमक्खी भी मरने लगी। ये मौत बहुत अलग अलग तरीके की थी, जैसे कुछ मधुमक्खियां पैरालाइज हो गई, कुछ मधुमक्खियां डायरेक्शन ही भूल गई, इसकी वजह से वो रास्ते को नेविगेट नहीं कर पाई और रास्ता भटकने की वजह से भी उनकी मौत होने लगी। ये इंसेक्टिसाइड का मार्केट कई हजारों करोड़ों का है
कंपनियों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि मधुमक्खियां मर रही हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें तो बस अपना मुनाफा कमाना है। कुछ ये सब भी रीज़न है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ होना, ये सब वो रीज़न है जिसकी वजह से मधुमक्खियां की आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है। इस धरती पे हर जिंदगी इंटरकनेक्टेड है। अगर इनमें से कोई एक भी चेन टूटता है तब धरती में सारे लाइफ फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। इंसानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं उनकी वजह से दूसरे जीव ना मुश्किल में आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।